पहली बात तो मीटिंग मेरे लिए नहीं थी, मीटिंग जितने मस्जिद के ट्रस्ट है सबको बुलाया गया था मीटिंग में। मैं उस मीटिंग में यह था कि मैं भी बहुत कंफ्यूज था पहले कि क्या चल रहा है यहाँ, स्पीकर उतारो, ये उतारो, अजान नहीं होगी। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2005 का ऑर्डर होने की वजह से पुलिस का भी मामला, ये पुलिस का पर्सनल कोई मामला भी नहीं है, कोर्ट का मामला है। ये अजान से इसका कोई मामला ही नहीं, अजान देने की मनाहियत कहीं भी नहीं, मामला सिर्फ स्पीकर का है। मैं भी पढ़ चुका हूँ ये, लेकिन ये मैं जब मैं पढ़ा तो मैं साहब से बात किया बारे में कि ऐसी ऐसी बात है, तो वो बोले ऐसी कोई हमारे तरफ से नोटिस नहीं है, ये अफवाह है, जो लोग चाहते हैं धार्मिक मामला बने, ये मामला धार्मिक नहीं है और इसको अजान से भी मत जोड़ो, ये स्पीकर का मामला है और सब धर्म के लिए, सिर्फ अजान का मामला नहीं है। आपको शांतिनगर पुलिस स्टेशन में जो आपके साथ मीटिंग ली गई थी वो किस मुद्दे पर ली गई? पहली बात तो मीटिंग मेरे लिए नहीं थी, मीटिंग जितने मस्जिद के ट्रस्ट है सबको बुलाया गया था मीटिंग में, और मीटिंग मेरे अकेले के लिए नहीं, सबके लिए, लगभग मस्जिद के सारे जातक में देखा, बहुत सारे ट्रस्ट है मस्जिद के, वहाँ पे ऐसे भी साहब थे, प्रशांत ढोले सर, शीतल राउत साहब, कबाड़ी साहब, इन्होंने सब ने बुला के लोगों से मीटिंग ली। उस मीटिंग में यह था कि मैं भी बहुत कन्फ्यूज था पहले कि क्या चल रहा है यहाँ, स्पीकर उतारो, ये उतारो, अजान नहीं होगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद बातचीत हुई तो वहाँ मालूम पड़ा कि ये धार्मिक मामला नहीं है, ये मामला लाउड स्पीकर का है। लाउड स्पीकर का मामला ऐसा है, वो भी रात में 10 से 6 तक है, और सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं, ये टोटली सभा वगैरह, मस्जिद, मंदिर, जो भी एक साइड जितनी भी जगह, वहाँ 10 से 6 कहीं भी स्पीकर बजेंगे नहीं, ये उनका बोलना था। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2005 का ऑर्डर होने की वजह से पुलिस का भी मामला, ये पुलिस का पर्सनल कोई मामला भी नहीं है, कोर्ट का मामला है। और दूसरा उनका जो उन्होंने जितनी बातें हमको बताया उसमें समझ में आया कि ये अजान से इसका कोई मामला ही नहीं, अजान देने की मनाहियत कहीं भी नहीं, मामला सिर्फ स्पीकर का है। तो अजान से इसको जोड़ने की जो बात की जा रही है, ये धार्मिक मामला जोड़ने की कोशिश हो रही है, जबकि धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं। लाउड स्पीकर को पुलिस का मामला ये बोलना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 10 बजे से 6 बजे तक, वो 2005 से है, कोई नया नहीं, तो उसको तुमको फॉलोअप करना है। तो अभी जैसे कि 10 से 6 बंद रखना है लाउड स्पीकर को, और बाकी के टाइम में क्या आवाज़? बाकी के टाइम में उन्होंने बाकायदा एक कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें औद्योगिक क्षेत्र यानी कमर्शियल जो एरिया है ना, उसमें 75 डेसिबल, उसके बाद में यहाँ पे व्यापारी वर्ग है, जहाँ पे व्यापार होता है वहाँ 65 है, और रेसिडेंशियल एरिया में 55 है, और शांतता जोन जिसको बोलते हैं साइलेंट जोन, उसमें 50 है। इतना 4 टाइम के अजान में, ये 4 टाइम की सिर्फ अजान के लिए नहीं है, सब के लिए। अच्छा। मतलब ये टाइम जो स्पीकर चलाएंगा उसका इतना रहना चाहिए। अभी व्हाट्सएप पे कई तरह के मैसेजेस वायरल हो रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि तैबा मस्जिद शांतिनगर जो कि आपके वार्ड में ही है, और इस तरह की कई मस्जिदों को नोटिस आई पुलिस की और उसमें लाउड स्पीकर हटाने की बात। देखो सबसे पहले तो ऐसा है कि मैं भी पढ़ चुका हूँ ये, लेकिन ये मैं जब मैं पढ़ा तो मैं साहब से बात किया बारे में कि ऐसी ऐसी बात है, तो वो बोले ऐसी कोई हमारे तरफ से नोटिस नहीं है, ये अफवाह है। बाकायदा मैं साहब से बात किया तो साहब वहाँ के ट्रस्ट हजरात को भी शायद बुलाए थे, जहाँ तक मेरी समझ में, अबू तला साहब को, तो उन्होंने भी बात कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह है। तो जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग चाहते हैं धार्मिक मामला बने, ये मामला धार्मिक नहीं है, और इसको अजान से भी मत जोड़ो, ये स्पीकर का मामला है और सब धर्म के लिए, सिर्फ अजान का मामला नहीं है। मैं जनता को ये चाहूँगा कि अफवाह पे ध्यान ना दे और जहाँ तक हो सके कोर्ट का पालन करे, ये चाहता हूँ।